गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बॉन्साई बनाना सीखेंगे। सबसे पहले बॉन्साई क्या होता है बच्चों? सिंपल भाषा के अंदर जब आप बड़े कोई पेड़ देखते हो, अगर हम उसी पेड़ को बच्चों किसी गमले में लगाएं, उसी शेप में जिसमें हमें बहुत सारी ब्रांचेस दिखें, रूट्स दिखें, बस उसका वो जब छोटा रूप होता है या मिनिएचर फॉर्म होता है, उसे हम लोग बॉन्साई कहते हैं। तो बच्चों आज हम लोग एक ट्री को लेके बॉन्साई बनाना सीखेंगे। बच्चों बॉन्साई बनाने के दो तरीके होते हैं, एक प्रोसीजर बहुत बड़ा होता है, एक प्रोसीजर शॉर्ट होता है। बच्चों बड़े प्रोसीजर के अंदर हम लोग जर्मिनेशन या अंकुरण से शुरू करते हैं। जैसे हमें कोई बरगद का या फाइकस का हमें कोई बॉन्साई बनाना है, हम उसकी सीडलिंग प्रिपेयर करेंगे और फिर उसके ट्री लगने तक का, ट्री बनने तक का हम इंतजार करेंगे कि वो एक बड़ा ट्री प्रिपेयर हो जाए। उसमें बच्चों हो सकता है 2, 4, 8, 10 साल लग जाए, तब तक हमें वेट करना पड़ेगा और फिर उस प्लांट के हम उस प्लांट के ऊपर हम लोग बॉन्साई बनाने की तैयारी शुरू करते हैं। बच्चों एक तरीका तो ये है, या फिर एक तरीका बहुत शॉर्ट है, हम लोग किसी नर्सरी में जाएं, नर्सरी में हम लोग एक ऑलरेडी प्रिपेयर्ड जो बड़ा लंबा पौधा है, पेड़ है, वो हम लोग लेके आए, या हमारे आसपास में गांव में भी कहीं आप देखते होंगे कोई बड़ा पेड़ है जो कम से कम 4-5 फिट या 6 फिट ऑलरेडी बड़ा है, हम लोग उसको लें और फिर उसके ऊपर हम लोग बॉन्साई बनाने की तैयारी करें। वैसे तो बच्चों बॉन्साई बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ी आर्ट है, बहुत बड़ी साइंस की एक ब्रांच है, जिसमें हम लोग जब बॉन्साई बनाते हैं बच्चों तो उसमें हम लोग देखते हैं बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और वो साइमल्टेनियसली हमको देखते देखते ही हमें बहुत सॉल्व करनी पड़ती है। तो आज जो हम बॉन्साई बना रहे हैं बच्चों वो हम लोग सिर्फ बेसिक चीज़ देखेंगे कि जो मोटी मोटी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है कि एटलीस्ट हम लोग उसको करेंगे तो हमारा एक अच्छा बॉन्साई तैयार हो जाए। तो आज जो हम लोग बॉन्साई बनाना सीख रहे हैं बच्चों वो हम लोग सेकेंड तरीका जो है हमारा शॉर्ट वाला तरीका, हम लोग उस तरीके से हम लोग बॉन्साई बनाएंगे। हम लोग नर्सरी जाएंगे या फिर हमारे आसपास हम लोग देखेंगे कि ऑलरेडी हमको 6-7 फिट का बड़ा कोई पेड़ मिल जाए। एक चीज तो हमें ये देखनी है, दूसरी चीज बच्चों हम लोग जब कोई पेड़ देखते हैं तो ऐसे नहीं कि हम लोग कोई भी पेड़ ले लें, हमें कुछ 2-4 बातें ध्यान में रखनी है कि हम कौन सा पेड़ लें। वो लंबा तो है पेड़, लेकिन उसके साथ में हमें क्या क्या देखना है। देखो मैं आप लोगों को ये फाइकस का ट्री जैसे मैं लेके आई हूँ, मैं ये नर्सरी से ही मैं लेके आई हूँ। तो जब मैंने ये नर्सरी में लिया बच्चों तो उसमें दो तीन चीज़ें मैंने ऑब्जर्व करी। जब आप लोग बॉन्साई लेने के लिए बनाने के लिए पेड़ खरीदेंगे बच्चों या आसपास से लेंगे तो आप लोग ये चीज़ का पहला ध्यान रखेंगे कि जो बॉन्साई लेने के लिए आप पेड़ ले रहे हैं उसकी थोड़ी हाइट हो, क्योंकि लंबा पेड़ लेना है हमें। लेकिन सिर्फ लंबा ही नहीं हो बच्चों, उसके साथ में आपको ये भी देखना है कि जो उसका तना है वो कम से कम 3 से 4 इंच, जितनी आपकी एक ही फिंगर होती है बच्चों, कम से कम इतना मोटा तना उसका होना चाहिए। क्योंकि बच्चों हम लोगों को बॉन्साई में क्या दिखाना है कि एक बड़ा पेड़ है उसी को हम लोग शॉर्ट करके दिखाएंगे। तो शॉर्ट बड़ा पेड़ जब होगा और उसकी जब लुक आएगा बॉन्साई का, वो तभी आएगा बच्चों जब उसका तना मोटा होगा। जितना अच्छा मोटा तना बच्चों हम लोग लेंगे उस प्लांट की या उस ट्री की या उस बॉन्साई की सर्वाइवल या वाइटलिटी उतनी ही ज्यादा और उतना ही ज्यादा वो खूबसूरत भी लगेगा। तो बच्चों जब मैंने ये पौधा लिया, पेड़ लिया, तब मैंने ये देखा कि इसका तना आप देख रहे हो कि कितना थिक है। तो बच्चों ये ऑलरेडी मुझे लग रहा है ये कम से कम 6 से 8 साल पुराना एक फाइकस का ट्री है। और जो ये बच्चों मैंने फाइकस की जो ये स्पीशीज ली है वो मैंने ली है फाइकस बेंजामिना। ये हमारे इंडिया के अंदर बहुत इजीली अवेलेबल है बच्चों, किसी भी नर्सरी में आपको फाइकस बेंजामिना एटलीस्ट बहुत इजीली अवेलेबल हो जाएगा और इसकी बहुत ज़्यादा कोई कॉस्ट भी नहीं आती है, बहुत चीप उसमें आपको मिल जाएगा और इसमें जो बॉन्साई बनता है बच्चों वो भी बहुत सुंदर बनता है।
तो बच्चों पहला तो आपको ये देखना है कि इसका तना बहुत थिक हो, उसकी हाइट बहुत अच्छी हो, और साथ ही बच्चों उसमें से खूब सारी ब्रांचेस निकली हो। क्योंकि अगर हम लोग जब देखते हैं कि जितनी ज्यादा, देखो बच्चों इसमें बहुत सारी ब्रांचेस निकली हुई है, तो जितनी ज्यादा बच्चों उसमें ब्रांचेस निकली हुई होंगी, हम उसको उतना ही खूबसूरत शेप दे सकते हैं। क्योंकि जब हम उसको काटेंगे बच्चों, इसकी जब ब्रांचेस के हम लोग कटिंग करेंगे, जब इसको शेप देंगे, जब जितनी ज्यादा उसमें ब्रांचेस है, तो उसका जो क्राउन है वो उतना ही बड़ा बनेगा, और उसका जो लुक है वो उतना ही अच्छा है। तो ये तीन चार बातें तो बच्चों आपको मोटी मोटी जो ध्यान में रखनी है, वो आपको देखना है कि हमारे पास में इसकी टॉल हो, इसकी ब्रेथ हो, साथ में उसमें डेंस ब्रांचिंग हो, और रूटिंग भी आप देख रहे हो इसमें बच्चों, ये जड़ें जो है वो भी काफी अच्छी है, काफी मोटी हमने जो जड़ें ली हैं, तो इसको जो पकड़ मिलेगी बच्चों, जब हम इसे गमले में लगाएंगे तो जो इसको पकड़ मिलेगी वो इस जड़ों की सहायता से ही मिलेगी। तो जब हम इसको वहां गमले में, छोटे गमले में भी लगाएंगे, तो ये इजीली पकड़ होल्ड हो जाएगा और उसमें ये खड़ा स्टैंड रह पाएगा। तो बच्चों ये चीजें देखते हुए हमने ये पेड़ को सेलेक्ट कर लिया है। अब हम इसमें नेक्स्ट वर्क शुरू करेंगे। नेक्स्ट वर्क में हमें ये देखना है कि हम इसको निकालेंगे और इसकी रिपोर्टिंग करेंगे। लेकिन रिपोर्टिंग करने से पहले हमें क्या क्या करना है वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाली हूँ। तो अब हम इसकी रिपोर्टिंग की तैयारी करते हैं। सबसे पहले हम लोग इसका मेन ट्रंक है उसे कट करेंगे। मेन ट्रंक को जो हम रखते हैं वो लगभग 1 से 1.5 फीट रखते हैं। उसके अंदर हमारी सबसे ज्यादा ब्रांचेस जो है वो इंक्लूड हो जानी चाहिए। तो जैसे ये वाला ट्री है, इसके अंदर हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ तक ये लगभग 1 फीट तक आ रहा है, और 1 फीट तक के अंदर में लगभग इसमें मैक्सिमम ब्रांचेस जो है वो इंक्लूड भी हो रही है। तो हम लोगों ने पहले तो हमें ये देखते हुए यहाँ पर मेन ट्रंक को यहाँ से काट देंगे और ऊपर का ट्रंक हम लोग रिमूव कर देंगे, और सिर्फ हमारे पास में ये कटने के बाद में ये लगभग 1.25 फीट जो है वो रह जाएगा, और उसके बाद में ये ब्रांचेस भी हमें मिल जाएंगी। तो अब हम लोग इसको यहाँ से कट कर देंगे। ये ध्यान रखना है कट करते हुए कि हमारी ब्रांचेस डैमेज ना हो। बच्चों अब आप देख रहे हो ये ट्रंक जो हमारा पहले था वो हमने इसको मेन ट्रंक को काट दिया है। अब बच्चों हमें जब बॉन्साई को शेप देना है तो हम लोग देखेंगे कि पहले तो कौन सा जो फेस है वो हम लोग फ्रंट में रखें, क्योंकि आप जो व्यूअर्स को दिखाना चाहेंगे वही वो सामने दिखेगा। बच्चों जो एक अच्छा बॉन्साई होता है उसके अंदर हमें मेन ट्रंक को और क्राउन को वो फ्रंट के अंदर दिखना चाहिए। उसमें ऐसा नहीं हो कि ये जैसे ये ब्रांच है बच्चों, ये ब्रांच है, ये बिल्कुल फेस पर आए, वो आगे की तरफ नहीं आनी चाहिए। इन्हें फोकस ब्रांचेस भी कहा जाता है। इन पोकर ब्रांचेस को भी बच्चों हमें रिमूव करना होता है। तो अभी जैसे ये ट्री है तो हम लोग कौन सा जो फेस है वो हम फ्रंट की तरफ लें, सबसे पहले हमें वो सेलेक्ट करना है। तो अब आप जब देखिए, मैं आपको दिखाती हूँ, अगर हम जैसे सपोज ये वाला साइड अगर हम फ्रंट में लेते हैं, तो ये वाली जो ब्रांचेस हैं वो आगे की तरफ झुक रही हैं। तो एक अच्छा बॉन्साई बनाने के लिए हम ये वाला फेस नहीं ले सकते। अब ये देखो, ऐसे बच्चों हमें सेलेक्ट करना होगा। ये वाला अगर मैं साइड लेती हूँ तो उसमें सारी ब्रांचेस जो है ये रिमूव करनी पड़ेंगी, और अगर सारी ब्रांचेस रिमूव हो जाएंगी तो भी हमारा बॉन्साई का लुक अच्छा नहीं आएगा। तो अब जैसे मैं अगर ये वाला साइड लेती हूँ तो इसमें हमारी मैक्सिमम ब्रांचेस जो है वो बॉन्साई के अंदर दिखेंगी। एक या दो ब्रांच, जैसे ये वाली ब्रांच है, अगर मैं इसको रिमूव कर दूंगी तो हमारा जो ये मेन स्टेम है ये पूरा का पूरा अपीयर होगा और दिखाई देगा। तो हम लोग अपने अपने हिसाब से, बच्चों आप लोगों को जब आप प्लांट लोगे तो अपने हिसाब से आपको सेलेक्ट करना होगा कि आप कौन सा फ्रंट लेते हैं। तो फ्रंट लेने के लिए आपको ट्रंक को मेन दिखाना होगा और बाकी जो ब्रांचेस हैं, ताकि हम लोग थोड़ी ब्रांचेस को शेप भी दे सकें, इस तरह से ब्रांचेस हमें लेनी होगी।
अब ये वाली जैसे ये दो मेन ब्रांचेस है बच्चों, इसके अंदर ये जो दो मेन ब्रांचेस हैं इनको भी अगर हम लोग थोड़ा थोड़ा कट कर देंगे, यहाँ से अगर हम कट करते हैं एक, ये देखिए यहाँ से थोड़ा सा, और एक ये ब्रांच को थोड़ा सा यहाँ से, तो यहाँ से वापस लीफ जो है वो नई लीव्स आना शुरू हो जाएंगी और एक बॉन्साई को एक बहुत अच्छा लुक मिल जाएगा। तो सबसे पहले हमें हम बॉन्साई को इस तरह से शेप देंगे। हम लोगों ने मिक्सर ये वाला फ्रंट जो है वो सेलेक्ट कर लिया है, पर आप देखो कि अब जब हमने ये फ्रंट सेलेक्ट किया है तो इसमें ये पोकर ब्रांच आ रही है, तो हमको सारी पोकर ब्रांच को हमको यहाँ से कट करना होगा। ये देखिए यहाँ से हम लोगों ने ये पोकर ब्रांच को मैंने यहाँ से ये कट कर लिया है। अब जब सारी पोकर ब्रांच कट हो गई है बच्चों, अब हमारे पास में ये एक से डेढ़ फिट का हमने ये प्रिपेयर कर लिया है और अब हम लोग इसको शेप देंगे। शेप जो दिया जाता है बच्चों वो एल्यूमिनियम या कॉपर वायर की हेल्प से दिया जाता है। ये एल्यूमिनियम की वायर है, ये 2 mm की है मार्केट में बच्चों, ये 1 से 3 mm की अवेलेबल है। आपको जो ये वायर की थिकनेस है ये आपको अपनी ब्रांचेस की थिकनेस के अकॉर्डिंगली सेलेक्ट करनी पड़ती है। वैसे मीडियम साइज की जो होती है वो ठीक रहती है, और भी अगर आपकी ब्रांचेस अगर ज़्यादा थिक है तो आप इसको डबल करके भी यूज में ले सकते हैं। मैं आपको एक ब्रांच को इसको दिखाती हूँ कि इसको आपको कैसे शेप देना है। सबसे पहले बच्चों आप लोगों को बेस पर एल्यूमिनियम वायर को इस तरह से सपोर्ट देने के लिए सबसे पहले इसे बेस पर इसे बांध देना है। फिर इसको बांधने के बाद में आपको जिस ब्रांच को इसको सपोर्ट देना है, शेप देना है, उस पर लगभग 45 डिग्री के एंगल पर इस तरह से कॉइल करते हुए इसे ले जाना है, इस तरह से। ये देखो बच्चों ये एक्सेस के अंदर जो बच गई है इसे हम लोग यहां से कट कर देते हैं। अब आप इस ब्रांच को जैसा शेप देना चाहते हैं अपने क्राउन के अकॉर्डिंगली इस तरह से आप इसे शेप दे सकते हैं। अब जब इसमें एक्स्ट्रा जैसे भी ब्रांचेस आती जाती हैं हम उनको कट करते जाएंगे और ये बॉन्साई अपना शेप ऊपर क्राउन के फॉर्म में लेता चला जाएगा। बच्चों हम लोग दो दो तीन तीन वायर को लेकर भी, दो दो तीन तीन ब्रांचेस को लेकर भी वायर को फोल्ड कर सकते हैं, इससे वायर की भी बचत होती है और ब्रांचेस को भी अच्छा शेप मिलता है। देखिए आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इससे क्या बेस पर भी आपको बहुत सारी वायर्स को लपेटने की जरूरत नहीं होगी, तो आप एक वायर को इस तरह से लेके भी वायरिंग कर सकते हैं। ये देखिए एक ब्रांचेस को हमने कर लिया है, उसी वायर की हेल्प से दूसरी वायर को हम लोग शेप दे रहे हैं। अब हम लोग उस पर एल्यूमिनियम की वायर देके हमारे बॉन्साई को एक शेप हम लोग दे चुके हैं, अलग अलग हमने इसमें वायरिंग कर दी है और इसमें एक शेप आ चुका है। अब बच्चों जो नेक्स्ट स्टेज है इसकी वो है प्रूनिंग। प्रूनिंग के अंदर बच्चों हम लोग इसकी लीव्स को कट करते हैं। लीव्स को कट करना इसीलिए जरूरी है बच्चों ताकि जो ये बड़ी बड़ी लीव है उसको हम लोग अब हटाएंगे तो इसके बाद में इसमें नई छोटी छोटी लीव्स आती हैं
और छोटी लीव्स आने से एक तो हमारा बॉन्साई जो क्राउन है वो बहुत डेंस भी दिखता है और उसका जो लुक है वो बहुत खूबसूरत दिखता है। तो जो बच्चों इसके अंदर प्रूनिंग होती है वो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से करते हैं, लेकिन हमें जो बॉन्साई के अंदर प्रूनिंग करनी है उसके अंदर हम लोगों को क्या करना है कि जो ये ओल्ड लीव्स हैं इन सारी ओल्ड लीव को हम लोग रिमूव करेंगे, और उसको रिमूव करने के लिए हम लोग जो इसका स्टॉक है बच्चों या जो हम इसे पीटियोल है उसे हम इसमें रखेंगे, और इसको थोड़ा सा इसका जो ये लेमिना है इसको भी छोड़ते हुए हम लोग इसको कट करेंगे इस तरह से। तो इससे क्या है इसको एनर्जी भी मिलती रहेगी और इसके अंदर जो नई लीव्स हैं वो बहुत जल्दी इसके अंदर डेवलप हो जाएंगी। वैसे भी बच्चों हमें कोई भी पौधा है उसमें टाइम टाइम से प्रूनिंग करते रहना चाहिए, और विंटर सीजन के अंदर ये वैसे भी जो प्लांट्स होते हैं जनरली ज़्यादातर प्लांट जो होते हैं वो डॉर्मेंट स्टेज के अंदर चले जाते हैं और अपनी लीव्स को शेड कर देते हैं। तो वैसे भी प्लांट अपनी जो एक ऑटोमेटिक प्रोसेस है उसके थ्रू अपनी लीव्स को शेड करते ही हैं, और जब हम लोग इसे काटेंगे तो हम लोग इस तरह से इसके पीटियोल और थोड़ा सा ब्लेड को छोड़ते हुए इसके लेमिना को छोड़ते हुए हम लोग इसकी पूरी लीव्स को इस तरह से काट लेंगे और पूरे प्लांट की हम लोग इस तरह से प्रूनिंग कर लेंगे। अब ट्रंक के काम के बाद में हम रूट के काम पर आते हैं। तो अब हमें उसमें से सबसे पहले हमारी रूट्स को एक्सपोज करना है बाहर के एनवायरनमेंट में। सबसे पहले बच्चों हमें कौन सी रूट्स रखनी है और कौन सी रूट्स कट करनी है। तो हमें जो ये मोटी मोटी टेप रूट्स हैं बच्चों, मेन रूट जो होती है बॉन्साई की, उसे काटना है, और जो सेकेंडरी रूट्स हैं पतली पतली उसे रखना है। तो मेन जब आप रूट्स को काटें तो इसमें कोई डरने की बात नहीं है बच्चों कि अगर इसकी मेन रूट काट दी तो हमारा बॉन्साई या ट्री जो है वो सर्वाइव करेगा या नहीं। वो बिल्कुल सर्वाइव करेगा, उस सेकेंडरी रूट से उसको मिनरल न्यूट्रिशन अपने सब मिलते रहेंगे और हमारा जो प्लांट है ट्री है वो बिल्कुल सर्वाइव करेगा। तो हमें सबसे पहले हमारे इसमें जो रूट में से मिट्टी हटानी है, तो मिट्टी हटाने के लिए बच्चों हमारी मिट्टी जो है वो गीली नहीं होनी चाहिए। तो आप 2 या 3 दिन पहले ही या 3 से 4 दिन पहले इसे प्लांट को पानी देना बंद कर दें। तो इससे क्या है मिट्टी ड्राई रहेगी और ये रूट्स जो है वो हमारी जल्दी एक्सपोज हो जाएंगी। तो या तो एक तो तरीका ये है, और इस तरीके से फोक की हेल्प से हम लोग मिट्टी को रिमूव कर देंगे। एक तो ये तरीका है कि हम लोग धीरे धीरे इस फोक की हेल्प से, ये देखिए ये सारी मिट्टी बाहर आ रही है, तो इस धीरे धीरे बिल्कुल और बहुत ध्यान से ये काम करना होगा कि हमारी रूट्स डैमेज ना हो, सिर्फ हमारी जो मिट्टी है वो बाहर की तरफ आ जाए। एक तरीका तो ये है, और अगर मिट्टी आपकी थोड़ी गीली है बच्चों तो आप इसमें प्रेशर के साथ में अगर पाइप से इसमें पानी डालेंगे तो भी जो सारी मिट्टी है वो बाहर की तरफ आ जाएगी। तो दोनों तरीके से आप लोग इसमें से मिट्टी हटाकर आपकी रूट्स को एक्सपोज कर सकते हैं या फ्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर ये फ्री होंगी तभी ये हम लोग इसको कट कर पाएंगे पहचान कर कि कौन सी इसके अंदर मेन रूट है। तो इसे हमें सबसे पहले एक्सपोज करना होगा। तो इस तरह से धीरे धीरे आप सारी मिट्टी को पेशेंस के साथ इसको हटा लें। ये हमारी रूट सारी एक्सपोज हो चुकी है, ये दिख रही है आपको, ये प्राइमरी रूट्स, ये मोटी मोटी जितनी भी है ये बड़ी बड़ी ये प्राइमरी रूट्स है जिसे हमें काटना है, और सिर्फ हम पे हमें जो ये छोटी छोटी रूट्स हैं उन्हें ही रखना है, और इनके अंदर भी जो लॉन्ग रूट्स हैं लंबी रूट्स उन्हें हमें कट कर देना है। इसको रीपोटिंग करने से पहले बच्चों इसके हम लोग फंजीसाइड्स का स्प्रे भी करेंगे। इस तरह से हम लोग सौ ब्लेड आरी की हेल्प से या कटर की हेल्प से इसको हम काटेंगे। जब तक ये रूट्स कटती हैं मैं आपको बताती हूँ कि हमें ये फंजी साइट्स हैं
ये अलग अलग ब्रांड का अवेलेबल हो सकता है। ये सिरे बेंजामिन का 12% और मैंको जेप का 63% है। इसको हम लोग 1 लीटर वाटर में एक चुटकी भर या एक पिंच ऑफ जो है वो मिलाएंगे और उसका सॉल्यूशन पूरे रूट और प्लांट्स के हम लोग रीपॉटिंग करने से पहले इसको स्प्रे करेंगे। बच्चों जो रीपॉटिंग हम लोग करेंगे उसके लिए हमें सॉइल रिक्वायर्ड रहेगी। उस सॉइल के अंदर हमें इक्वल क्वांटिटी के अंदर मिट्टी, रेत और कंपोस्ट लेना है। ये कंपोस्ट आप लोग घर में जो मैनुअल हमारा बनता है गोबर खाद उस वो भी यूज कर सकते हैं या फिर वर्मी कंपोस्ट भी हम लोग यूज कर सकते हैं। इन्हें इक्वल क्वांटिटी में लेके और इसकी हाफ क्वांटिटी के अंदर या तो अगर आपके पास कोयला अवेलेबल हो उसके पीसेस, कुछ ईंट के टुकड़े और कुछ जो रेत के अंदर कंकरी निकलती है वो इसकी हाफ क्वांटिटी में लेके बच्चों इसका हम लोग मिक्सचर बनाएंगे और मिक्सचर बनाने के बाद में इसे हम रिपोर्ट करेंगे। ये देखिए बच्चों ये कितनी मोटी टेप रूट है, प्राइमरी रूट, जिसे यहां से प्लांट से रिमूव कर दिया है। इसके अलावा कुछ जो मोटी मोटी रूट्स हैं उन्हें भी काट दिया गया है। देखिए ये देखिए इधर से ले, अंदर से ले, ऐसे ही मार। देख सकते हो बच्चों इसमें सिर्फ पतली पतली जो सेकेंडरी या फाइब्रस रूट्स हैं वो बची हैं। अब इसमें हम लोग फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। हम लोग पॉटिंग करने के लिए कुछ इस तरह से चौड़ा गमला लेंगे। इस गमले के अंदर पहले हम लोग ये देख लेंगे कि इसके अंदर होल्स हों। अब इस पॉट के अंदर हम लोग एंकरिंग के लिए एल्यूमिनियम की वायर लगा रहे हैं। ये एल्यूमिनियम की वायर इसीलिए लगाई जा रही है क्योंकि अभी रूट्स हल्की हैं तो उसको सपोर्ट इस वायर से हम लोग देंगे ताकि हवा वगैरह से हमारा पौधा गिरकर और एयर के कांटेक्ट में नहीं आ जाए। तो इस तरह से बच्चों आपको इसके अंदर से एल्यूमिनियम की वायर लगानी है। अब इस तरह से हमने ये वायर इसमें लगा दी है ताकि हमारे प्लांट को, जो हम प्लांट लगा रहे हैं वो हमारा प्लांट एक बहुत भारी प्लांट है, उस भारी प्लांट को हमें एक छोटे से पॉट के अंदर सपोर्ट मिल जाए। फिर इसके बाद में ये कुछ जो मटकी वगैरह की ठिकरी होती है या मोटे पत्थर होते हैं ग्रेवल्स, वो हम लोग इन छेद के ऊपर लगा रहे हैं।
ताकि प्रॉपर ड्रेनेज वाटर का हो सके, जो भी एक्सेस के अंदर हम लोग वाटरिंग हो तो वो कम से कम पानी इसमें से निकल जाए। अब हम लोग ये ईंट के टुकड़े इसमें कुछ बिछा रहे हैं, इससे प्रॉपर ड्रेनेज होगा। ये पूरी एक मोटे पत्थरों की या ईंटों की हम लोग लेयरिंग करते हैं। जब तक ये लेयरिंग होती है, ये अब हम लोग इस पे फंगीसाइड का स्प्रे करेंगे। अब इस पे ये फंगीसाइड का स्प्रे हो चुका है। अब इसके बाद में अब हम लोग यहाँ पर पॉटिंग की तैयारी करेंगे। हम लोगों ने नीचे ग्रेवल्स का बेस बना रखा है। अब इसके अंदर हम हमारा जो मिट्टी का, रेत का और कंपोस्ट का मिक्सचर है वो हम लोग डालेंगे। अब है हमें एक चीज़ का ध्यान रखना है बच्चों, की जो सेंटर पोर्शन है, सेंटर पोर्शन को हम लोगों को थोड़ा सा ऊँचा रखना है। उसकी एक ढेरी सबसे पहले हम लोग बीच में बनाएंगे। ऐसा इसीलिए करेंगे क्योंकि जब हमने टेप रूट काटी थी तो टेप रूट काटने की वजह से जो हमारे प्लांट का बीच का सेंटर का पोर्शन है बच्चों, ये वाला सेंटर का पोर्शन, वो खाली हो गया है। अगर हम इसे बिना ढेरी के इसको सीधा ही इसमें पॉटिंग कर देंगे तो यहाँ पर मिट्टी प्रॉपर तरीके से पहुँच नहीं पाएगी और प्लांट की एंकरिंग पकड़ जो है वो मजबूत नहीं हो पाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसको मजबूती देने के लिए इसमें सेंटर में हम लोग इस तरह से ढेरी बना लेंगे। अब हम हमारा जो पौधा प्लांट है, ट्री है, उसे इस तरह से पॉट के अंदर फिक्स करेंगे। ये आप देख रहे हैं, ये एल्यूमिनियम की वायर्स को अब हम इससे इसको पकड़ को मजबूती दे रहे हैं। इसके चारों ओर इस तरह से हम लोग ये एल्यूमिनियम की वायर्स जो हमने होल से निकाली थी उसको लपेटते हुए इसको थोड़ा सा हमें मजबूती देनी है। इससे हवा से हमारा पौधा गिरेगा नहीं और पूरी तरह से खड़ा रहेगा। जो अब हमने हम जो मिक्सचर बनाया था मिट्टी का, रेत का और कंपोस्ट का, इसके अंदर हमने ईंट डाली है जिससे मॉइस्चर बना रहे इसका। ये पूरा कंप्लीट करने के बाद बच्चों हमें इसमें फोक से या चम्मच से या लकड़ी के जो छोटा टुकड़ा है उससे इस तरह से पोकिंग करनी है। ये पोकिंग करने का ये मेन मीनिंग ये है कि इस एयर के, इस रेत के अंदर या मिट्टी के अंदर कोई एयर पॉकेट्स होते हैं तो एयर पॉकेट्स इससे रिलीज हो जाते हैं। तो उसके लिए
ये पॉकिंग करना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम लोग वाटरिंग करेंगे। ये देखिए बच्चों, ये हमारा जो बॉन्साई है वो कुछ इस तरह से लुक ले चुका है फाइनली। अब इसके अंदर ब्रांचेस पर लीव्स आना शुरू हो जाएंगी और एक ये डेंस क्राउन का फॉर्म ले लेगा। अब मैं आपको कुछ और बॉन्साई बता रही हूँ बच्चों, जो अंडर ट्रेनिंग में है। ये देखिए, ये देखो बच्चों, ये हम लोगों ने इसकी पूरी प्रूनिंग इस तरह से कर ली थी। अब इसमें नई लीव्स आप देख सकती हो कि इसमें नई लीव्स आना शुरू हो गई है। ये सारी फाइकस की वैरायटीज है। ये देखो बच्चों, ये साइप्रस का पौधा है। इस साइप्रस के पौधे को हम लोगों ने बॉन्साई के अंदर कन्वर्ट किया है। ये जेड प्लांट है, जेड प्लांट का भी बहुत सुंदर बॉन्साई बनता है। ये बरगद, ये बच्चों फाइकस की एक और डिफरेंट वैरायटी है। ये गुलमोहर का फाइकस है, इसे थोड़ा सा जंगल का शेप देने की कोशिश की गई है, इसे जंगल बॉन्साई कहा जाता है। ये सारे प्लांट्स बच्चों अंडर ट्रेनिंग है, ये 2 महीने तक पूरे प्रिपेयर्ड हो जाएंगे। इसके अलावा बच्चों, जो हमने ब्रांचेस काटी थी, इस ब्रांचेस को भी हम लोग वेस्ट नहीं जाने देंगे। इसकी एक एक 1 से 2 फिट जो हम ब्रांचेस है वो लेके उसे हम सॉइल में लगा देंगे और ये दोबारा से नए ट्री में जब कन्वर्ट हो जाएंगे, इसमें रूटिंग हो जाएगी, तो हम इन ब्रांचेस को भी बॉन्साई के अंदर कन्वर्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को एक शॉर्ट प्रोसेस बॉन्साई बनाने की समझ में आ गई होगी।